उसे ठुकराया, right? हाँ, I remember. तुम्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता? Don't worry, मैं तुम्हें सिखाऊंगा. Really? But you know what? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें भी सीखनी पड़ेगी. मतलब? मतलब ये सब कुछ नहीं आता, इतनी बेवकूफ तो नहीं हूं मैं. अगर हम दोनों में से किसी को भी कुछ भी सीखना होगा तो वो हो तुम. अब मेरे पति होने के नाते इतना तो करना ही होगा ना. तुम्हारा ये स्टबन लुक और ये हेयर स्टाइल, ओ कम ऑन. और ये क्या कपड़े पहन रखे तुमने? Look at this color. It's so dull. Don't worry. I just have to check it out. चलो पहले सिगरेट पीते. क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं. लाइटर होगा तुम्हारे पास? Oh come on. इससे पहले मॉम डैड आ जाए और फिर से वो शादी की स्टुपिड बातें शुरू कर दे. लेट्स हैव अ सिगरेट. यहाँ तो तुम ऐसे बिल्कुल नहीं जैसे लगते हो. तुम्हारे माँ बाप को पता है ये सब बातें? अगर तुम्हें ये सब पसंद है और खुद से शादी नहीं करना चाहती तो अपने माँ बाप को बता क्यों नहीं दे? मुझे यहाँ किससे बुलाया और ये सब ड्रामा क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, मेरे घर में क्या ड्रामा चल रहा है क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है. तो इसलिए मैं टीवी सीरियल बनाऊंगी क्या? इसलिए क्या? चुपचाप मेरी बात मानो, अपने घर पे जाओ और मेरे पापा से कह दो कि तुम्हें भैंसी टाइप की लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, या कोई और बहाना बनाओ. बस इस शादी से इनकार कर दो. तुम खुद मना क्यों नहीं कर देती? हाँ वो इसलिए मैं डियर डार्लिंग डायरेक्टली अपने मामा पापा से इस शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी शादी के बाद आफ्टर ऑल नुकसान तुम्हारा ही है. अगर हमारी शादी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी. अच्छा होगा कि अगर तुम कोई ऐसी लड़की से शादी करो जो घरेलू, समझदार और शांत स्वभाव की, और मेरे पापा से कह दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं. तुम्हें बुरा वो इसलिए कि अगर इस कहानी में तुम विलन नहीं हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कि
अपने डैड से बोला, डैड कुछ भी बहाना बना के ये रिश्ता तोड़ दीजिए। उन्हें पहले कुंडली का बहाना बनाया और फिर दहेज का। तुम्हारे डैड को दहेज की बात अच्छी नहीं, तो जानती उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना सिर्फ हम सबकी बेइज्जती की, बल्कि उन्होंने मेरे डैड को जेल में भिजवा दिया। तब से मैं अपने डैड को फेल कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं, नहीं हो सकता। सिर्फ तुम्हारे डैड के प्रेशर की वजह से मुझे मेरे डैड किसी भी हालत में जेल से बाहर चाहिए, वरना वरना क्या? वरना मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ सच सच बता दूंगा। ये जो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, इसके बारे में जो वो सोचते हैं ना कि उनकी बेटी गंगा बहुत ही भोली मासूम और संस्कारी, सारे सबूत उनके सामने लाके रख दूंगा मैं। तुम अक्सर इस डिस्को में आते हो, यहाँ का हर वर्कर, यहाँ का हर कस्टमर तुम्हें जानता है, इन सबको मैं तुम्हारे डैड के सामने लाके खड़ा कर दूंगा और फिर देखते हैं क्या। समझी तुम? की क्या जरूरत है? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे डैड जेल से बाहर आ जाए, बस इतना ही ना? ओके, हो जाएगा तुम्हारा काम। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मेरे डैड मेरी हर एक बात मानते हैं। मैंने एक फोन कर दिया एंड योर डैड विल बी आउट ऑफ द जेल। तुम्हारी कॉल की वेट कर जी नाउ। तुम, मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठाया तुमने। हेलो पापा, आप कैसे हैं? मैं सो रही थी ना, इसलिए मुझे रिंग सुनाई नहीं थी। अच्छा सुनो, मैं एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ, बस 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। एंड आई एम डाइंग टू सी यू, बहुत सारी बातें करनी, इसलिए तुम सो मत जाना। मैं सो रही हूँ। अरे बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ यार, 10 मिनट वेट कर सकती हूँ, डोंट स्लीप। ड्राइवर जरा जल्दी चला। मुंबई जाने की क्या जरूरत? समझ में नहीं आ रहा। बाबा मैंने आपको बताया ना, जो आवाजें मेरी जहन में आती हैं, जो तस्वीरें मुझे मेरे सपने में धुंधली नजर आती हैं, उन सब का रिश्ता उस चेहरे के साथ है जिसका नाम बानी है और उसका परिवार मुंबई में रहता है। बाबा जब तक मैं अपने बीते हुए कल के बारे में पता नहीं लगाती, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बाबा प्लीज मुझे मुंबई जाने दीजिए। लेकिन बेटा तुम अकेली कैसे जाओगी? बाबा आप चिंता मत करिए, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए होटल बुक करवा रहा हूँ, मुंबई एयरपोर्ट पे होटल की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। बेटा मैं काम में बहुत फंसा हुआ हूँ, वो नॉवल की डेडलाइन है ना, वरना मैं तुम्हारे साथ जरूर आता। मैं जानती हूँ बाबा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप इत्मीनान से काम करिए और फोन है ना, मैं आपके साथ टच में रहूंगी। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और मैं काम खत्म करते ही तुम्हारे पास आता हूँ। ओके बाबा, बाय बाबा। ओके बेटा, बाय। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने प्लान किया था। प्रोनिता मुंबई से निकल चुकी है, आप चिंता मत करिए, मैं हर बात की खबर आपको देता हूँ। ओके।
जय, इतनी रात को अच्छे से आराम करके आते ना सुबह? बच्चों से दूर नहीं रहना चाहता था, पर मिसिंग देम, उठना चाहता हूँ। ये बच्चे सो रहे हैं। क्या हुआ, मैं गंगा को कंग्रेचुलेट तो कर सकता हूँ, उठा दूंगा यार, सुबह तक इंतजार नहीं करना चाहता। जय 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 जय, कल सुबह बात। जय सो रहे हैं वो। जय, यही तो थी, होगी यही कही। अरे गंगा, अभी तो बात की थी मैंने, बस 10 मिनट पहले। तो कहाँ चले गई गंगा? इतनी रात को ढूंढो उसे, फोन करो। वेयर इज शी? होगी यही कही। मैं बाथरूम में चेक करके क्या करूँ, पापा को पता चल गया कि मैं कमरे में नहीं हूँ। जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। गंगा कहाँ गई थी तुम? पापा आपका फोन आया था, उसके बाद मैं उठ गई। बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं मम्मा के बाथरूम में चली गई थी। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे तुम्हें कमरे में नहीं देखा इतनी रात को, तो ऑब्वियसली परेशान तो होगा ना। तुम्हें मालूम है ना गंगा, तुम्हारे पापा। पापा रिलैक्स। खैर अब छोड़ो इन सबको, आई एम ग्लैड यू ओके। I'm very proud of you. मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, और मैं बहुत सारी चीजें भी लाया हूँ। शायद आप भूल गए हो कि इस घर में कृष्णा नाम की भी एक लड़की है। और बाय चांस वो आपकी बेटी भी है। I'm sorry कृष्णा, मैं भूल ही गया, वो गंगा की जीत की खुशी में सब कुछ भूल गया। अरे बाय द वे, सेलिब्रेशन के लिए मैंने पार्टी रखी है तुम्हारे घर। पापा मगर उसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं, अवार्ड जीता है तुमने, सेलिब्रेशन तो होगी ना। और बहुत सारी चीजें लाए हो तुम्हारे लिए, लेकिन सब सुबह दिखाऊंगा, अब तुम लोग सो जाओ। थैंक यू पापा। पापा आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए? ना हो ना बेटा। अच्छा ठीक है, तो मुझे वो सब अभी चाहिए। ठीक है ना, चलो प्लीज पापा। ओके ओके अम्मा, चलो। ये कृष्णा भी ना, देखो उठते उठते सब कमर नीचे गिरा दिया। पागल लड़की। अरे ये हील्स क्यों पहने हुए थे? वो मम्मा और कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए। ये अंदर क्या पहना है?
तो इतनी चिल्लाने की क्या बात थी? कुर्सी चोट लगी है, क्या हुआ गंगा, कैसे लगी चोट? पापा एक्चुअली सोते सोते मेरा हाथ बेड के किनारे से लग गया, छोटी सी खरोच आ गई और कुछ नहीं। मम्मा के बाथरूम में बैंडेज मिला तो लगा लिया। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं? नहीं पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई एम ऑल राइट। आर यू श्योर? हाँ पापा। ठीक है, जरा अपना ध्यान रखो। चलो मैं जाता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। जय, आप गुड नाइट बोल चुके हैं, अभी सोने दीजिए बच्चों। जय कम ऑन, चाहिए ना? क्या मम्मा, सारा मूड ही खराब कर दिया आपने। पापा मुझे गिफ्ट दिखा रहे थे और आपने उन्हें इतने जोर से बुला लिया दी की चोट दिखाने के लिए। सुबह नहीं दिखा सकती थी क्या? वो इसलिए क्योंकि अगर सुबह आपके पापा को पता चलता तो पूरा घर सर पे लेता। और सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हमारे घर पे आए होते दी के चेकअप के लिए। ओके ओके, तुम लोग आर्ग्यू करो, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट एवरीबॉडी। आप कितनी बार गुड नाइट बोलेंगे? जय जाइए। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि आप पापा को सब कुछ बता देंगे। पागल हो गए हो? और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा कैसे हैं, उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन हाँ, मैं समझ सकती हूँ, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें डिस्को जाना पार्टी जाना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर तुम जाती हो तो प्लीज मुझे बता के जाना, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो मैं अच्छे से हैंडल कर सकूँ। ठीक है? ओके मामा, एज यू से। और हाँ, ये अच्छे से भूलो। ओके ओके, चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बड़ा होता है पालने वाला, और इसलिए उसका ज्यादा असर होता है। देखो तुम्हारी बेटी बिल्कुल मेरे जैसी बन सकती है। एग्जैक्टली वही, खाने के दांत कुछ और दिखाने की कुछ और। एंड आई एम हैप्पी बाय कि मैंने तुम्हें आज फिर से हरा दिया। जितना ज्यादा तुम्हारी बेटी गलत रास्ते पर जाए उतना ज्यादा मुझे मजा, क्योंकि उतनी तकलीफ तुम्हें। और उसने अगर कोशिश भी की तो कामयाब।
साफ नहीं है, ना ही मुझे ये समझ में आया है कि ये सब मेरे